हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपके पास, दैट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हमने जानने की कोशिश की थी ह्यूमन राइट्स के बारे में, उसकी डेफिनेशंस के बारे में कि ह्यूमन राइट्स क्या है और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। आज का जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि आज हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो बेसिकली हुकूक़ इंसानी जो है, इसकी तारीख क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से जो है वो डेवलप हुआ। क्योंकि दो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आ जाते हैं, वन इज़ एवोल्यूशन एंड द अदर इज़ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो है ये ऑल ऑफ एक सडन चेंज होता है, एंड दी अदर साइड दैट इज़ दी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कहते हैं ग्रेजुअल चेंज को, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस अकर्ड होती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो जो है वो दुनियावी लिहाज से हो, ठीक है, तो एक ग्रेजुअल चेंज होता है, एक सडन चेंज होता है। तो आज हम देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स जो है इसकी हमें तारीख क्या बताती है, कि इसकी एवोल्यूशन क्या है ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अगर तारीख पढ़ी जाए तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है। सबसे पहले साइरस सिलेंडर मींस साइरस द ग्रेट। अब ये याद रखिए कि 539 BC की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक पर्शियन किंग था जिसका नाम है साइरस। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पर्शिया इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ ईरान। ईरान का जो पुराना नाम था वो पर्शिया था, ठीक है। इस तरह आपने प्रिंस ऑफ पर्शिया जो गेम है वो भी आप लोगों ने, आई होप कि आपको जो है इसका पता होगा अच्छी तरह, तो ये भी उसी पर बेस्ड, उस नेम से जो है लिंक्ड है। तो साइरस द ग्रेट, ठीक है, एक पर्शियन किंग था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी इस किंग की कि बहुत फेमस था पर्शियन लोगों के लिए, पर्शियन सोसाइटी के लिए, और हमने देखा कि इसको साइरस सिलेंडर का नाम दिया गया। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में भी हम आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, अब 539 BC में द आर्मीज ऑफ साइरस सिलेंडर, ये साइरस द ग्रेट फर्स्ट किंग ऑफ द एंशिएंट पर्शिया, ठीक है, ये फर्स्ट किंग था एंशिएंट पर्शिया का, राइट, कदीमी जिसे हम कहते हैं, कंक्वर द सिटी ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन जो है ये एक सिटी है जो कि मेसोपोटामिया का जो रीजन है वहां पर सिटी लोकेट करता है। मेसोपोटामिया अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ जिक्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो आर्मी थी, जो साइरस द ग्रेट की, ठीक है, जो पर्शियन किंग था, इसकी आर्मी ने कंक्वर किया द सिटी ऑफ बेबीलोनिया, ठीक है, और वहाँ पर किंगडमशिप स्टार्ट हो गई, वहाँ पर रूल करना शुरू किया इसने। बट इट वॉज हिज नेक्स्ट एक्शन दैट मार्क्ड अ मेजर एडवांस फॉर मैन, एक खास एक्शन जिसने पूरी दुनिया की जो ह्यूमन इंसानियत थी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, वो क्या था, ही फ्रीड द स्लेव्स। उसने जो है डिफरेंट मुख्तलिफ गुलाम जो थे, जो कि आपको ये भी पता होगा कि पुराने वक्तों में गुलामाना जिंदगी थी, गुलामों को खरीदा जाता था और स्लेव्स हैव बीन सोल्ड आउट, एंड स्लेव की जो गुलाम थे उनको बाइंग एंड सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इसी एरिया से मिलता है। तो उसने बहुत सारे गुलामों को जो है वो आज़ाद कर दिया, ठीक है, एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप था साइरस द ग्रेट का, एंड डिक्लेयर दैट ऑल पीपल हैड द राइट टू चूज देयर ओन रिलीजन एंड एस्टैब्लिश रैशनल इक्वालिटी। अब द थिंग इज दैट कि उसने डिफरेंट स्लेव्स को तो जो है वो आज़ाद कर दिया, और उसने साथ ही ये कहा कि तमाम लोग जो हैं वो फ्री हैं अपने रिलीजन को चूज करने में, मीन्स कि आपकी मर्जी है, यू आर फ्री, ठीक है, आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो हैं या आप रिलीजियस अफेयर्स जो हैं वो अपनी रिलीजियस लाइफ जो है आप अपने तरीके से गुजार सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा स्टेप था क्योंकि उससे पहले तो किसी के पास ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था कि भाई राइट्स की भी कोई बात होती है, ये ह्यूमन राइट्स की कोई चीज़, कोई फिनोमेना है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये एक डार्क एजिस का ज़माना था, तो उस वक्त साइरस द ग्रेट, इस ये जो किंग था पर्शियन किंग, इसने फिर लोगों को इस तरफ जो है इस अट्रैक्शन जो है उनकी डाइवर्ट किया अपने माइंड को, और उनकी अट्रैक्शन जो है इस तरफ दिलाई कि आप अपनी मर्जी से अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इक्वालिटी पर बेस्ड होगी, ठीक है, इक्वालिटी, ठीक है, जो रेशनल इक्वालिटी है उस पर बेस्ड होगी।
अब मेसोपोटामिया का जिक्र किया तो ये वो एरिया है, मेसोपोटामियन रीजन है, जो कि आपको सऊदी अरेबिया और ईरान के मिड में नजर आएगा, नियर टूवर्ड्स सीरिया, ठीक है। और यहाँ पर मेसोपोटामिया इस हवाले से भी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, ये दो रिवर्स हैं, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। मीन्स उर्दू में, या आप तारीख पढ़ें, इसकी इस्लामी तारीख पढ़ें, तो हम इसको उर्दू में कहा जाता है दरियाए दजला और दरियाए फरात, इसकी एक तारीख है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इन नामों से आप लोग फेमिलियर होंगे, दरियाए दजला एंड दरियाए फरात। ये वो रीजन है जहाँ से ये दोनों दरिया जो है ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, और इसकी एक तारीख है। इस वजह से इस ये जो मेसोपोटामिया रीजन है बहुत फेमस है। और यहाँ पर जो हमने जिक्र किया कि इसने इसी जगह पर ये जो सिटी थी, सिटी ऑफ बेबीलोन, राइट, जिसको मेसोपोटामियन जो रीजन है वहाँ पर भी लोकेट करती है, तो इसको इसने कंकट किया और वहाँ पर अपना रूल बनाया, ठीक है, गवर्नमेंट बनाई। साइरस, अब साइरस द ग्रेट, ठीक है, अब साइरस कौन, आप ये तो पता चल गया हमें कि भाई वो एक किंग था, ठीक है। तो फर्दर आप आगे आ जाएं, अब ये आपके पास बेसिकली ये जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको मजीद फर्दर क्लेरिफिकेशन दे देते हैं आपको, ये सिलेंडर है। अब द थिंग वॉज दैट कि जो साइरस है उसने क्या किया कि जितने भी उसने ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बनाए, ठीक है, मींस के लोगों को बताया, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में उसने बताया, वो सारी चीज़ें इन्होंने इस चीज़ के ऊपर, ये सिलेंड्रिकल शेप आप देख रहे हैं, राइट, एक मट्टी का एक सिलेंडर टाइप आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर उन्होंने लिखा, इसको राइट डाउन किया। और ये भी मैं बता दूं कि पुराने वक्तों में जो सोसाइटीज थी, स्टिल डिफरेंट सिविलाइजेशंस जो हैं, इवन चाहे वो हड़प्पा सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इंडस सिविलाइजेशन हो, तो हमें पता चलता है कि उस सोसाइटी में जो लोग थे वो पत्थर पे लिखा करते थे, पत्थर पे स्टोन्स पर जो है वो उनकी जो है नक्शोनिगारी होती थी, मींस के स्टोन्स पर वो डिफरेंट स्केचिंग किया करते थे, डायग्राम्स बनाया करते थे। कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल जस्ट लाइक दैट, आप देखिए कि ये कॉन्सेप्ट हमें मिल रहा है कि उस वक्त जो है इसको हमने, जो लोग थे उन्होंने इन तमाम चीज़ों को लिखना शुरू किया। और यहाँ पर ये आप जो छोटा छोटा इसमें स्मॉल वर्डिंग्स देख रहे हैं, जो कि पढ़ी तो नहीं जा रही, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें मिल रहा है कि इसके ऊपर जो है कहा जाता है कि लोगों ने लिखाई की, और दे राइट डाउन डिफरेंट राइट्स एंड ड्यूटीज, तो लोगों ने इस पर लिखना शुरू कर दिया। ओके, अब एट दैट टाइम, अब मेसोपोटामिया की बात हो रही है, तो ये जो साइरस सिलेंडर है, मींस के साइरस ने जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताई, रूल्स एंड रेगुलेशन बताया, ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक बात की, तो वो तमाम चीज़ें लोगों ने जब इस पे लिखना शुरू की, तो आप देखिए कि ये जो लैंग्वेज है इसको कहा जाता है अकदीन्स लैंग्वेज, ठीक है। अकदीन्स लैंग्वेज जो है, अकदीनियन लैंग्वेज जो है, ये बेसिकली एक बहुत कदीमी ज़ुबान है, एंशंट ज़ुबान है, एंशंट लैंग्वेज है, जो कि मेसोपोटामियन रीजन में, ठीक है, बोली जाती थी। दैट वॉज मेसोपोटामिया, यहाँ पर ये वो एरिया है, यहाँ पर जो बोली जाने वाली जबान थी एट दैट टाइम, इसको कहते हैं अकदीन्स, राइट। कोई इसको प्रोनाउंसिएशन माइट बी डिफरेंट, अकदीन्स या अकदियंस लैंग्वेज भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और उस वक्त जो है एक कहा जाता है कि ये बेक्ड क्ले सिलेंडर था। बेक्ड क्ले मीन्स के उस वक्त इस कोई एडवांसमेंट नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो बेक्ड क्लेज होती थी, और बेक्ड क्लेज मीन्स के इवन टेबलेट्स को भी जो है वो मिट्टी से बनाया जाता था एट दैट टाइम, इन ओल्डन टाइम्स, ठीक है। और आपके पॉट्स या आपकी क्रॉकरी जो है वो भी मिट्टी से ही बनाई जाती थी, क्ले से बनाई जाती थी। तो एक क्ले सिलेंडर था जिसके ऊपर इन तमाम चीज़ों को जो है वो लिखा गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि ये जो साइरस ने अपना जो है माइंड सेट प्रेजेंट किया था, तो इसको कहा जाता है कि ये कहा गया कि ये दुनिया को वो पहला चार्टर था, ठीक है, पहला चार्टर था ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आपके पास ये जो चार्टर है, ये जो ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक था, ये इसको जो है ये कहा जाता है कि मॉडर्न साइंसेस जो है इसको समझा गया मॉडर्न साइंसेस में कि ये पॉसिबली ये वो फर्स्ट चार्टर था जिसने ह्यूमन राइट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। फर्दर इसलिए और बड़ी अचीवमेंट हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो है इसको फिर जो है ट्रांसलेट किया गया इन डिफरेंट लैंग्वेजेस और ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और इसके जो प्रोविजंस हैं
वॉज द फर्स्ट फोर आर्टिकल्स जो थे ऑफ द पैरेलल हैं, फर्स्ट फोर आर्टिकल्स जो हैं इसके वो पैरेलल हैं ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि हम आगे पढ़ेंगे. 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था तो कहा जाता है कि इसके जो फर्स्ट फोर आर्टिकल्स जो हैं वो पैरेलल हैं बिल्कुल. ठीक है, आप ये कह लीजिए कि वो नेचर वाइज बिल्कुल सेम है टूवर्ड्स दी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस साइरस सिलेंडर की. फर्दर हमें पता चलता है कि अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो बेबीलोन से, फ्रॉम बेबीलोन द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज क्विकली स्प्रेड टूवर्ड्स इंडिया, ग्रीस एंड इवेंचुअली रोम. ठीक है, ये वो एरियाज थे जहाँ पर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हैं ये फैलता गया, स्प्रेड होता गया. और ना सिर्फ स्प्रेड हुआ, एट दैट टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉज जो हैं वो उसकी जो है इन्वेंशन हुई, दैट वॉज रोज. ठीक है, और जो नेचुरल लॉज होते हैं क्योंकि ये जो है एक तरह से आप ये देख लीजिए ये अनरिटन लॉज होते हैं इन द कोर्स ऑफ लाइफ, एंड रोमन लॉज वर बेस्ड ऑन रैशनल आइडियाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेचर ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पे डिफरेंट लॉज डेवलप हो गए, नेचुरल लॉ भी डेवलप हो गया. ठीक है, इसके साथ कुछ रोमन लॉज डेवलप हुए जो कि रैशनल आइडियाज पर बिलीव रखते थे. फर्दर उसकी जो हम देखते हैं जो ओरिजिन है दैट वॉज द नेचर ऑफ थिंग्स. ठीक है, डिफरेंट जो है लॉज यहाँ पे हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं कि डिफरेंट लॉज हैव बीन टेकन प्लेस. और आपके सामने ये नीचे आप ज़रा पढ़ लीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि जो डिफरेंट लॉज डेवलप हुए यहाँ पर आपके पास मैग्ना कार्टा जो है 1215. मैग्ना कार्टा जो है हम सबको पता है कि जो यूनाइटेड किंगडम है ये यूके जो है ये फर्स्ट लॉ था ऑफ यूके, इंग्लैंड का ये फर्स्ट लॉ था जो कि 1215 में डेवलप हुआ. फिर द पिटिशन ऑफ राइट हुआ 1628 में, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1787, फिर फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स 1789 में, इसके अलावा द यूएस बिल ऑफ राइट्स 1791, आर द रिटन प्रोसीजर्स ऑफ द ऑफ मैनी ऑफ टूडेज ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स. ये वो कुछ ह्यूमन राइट्स हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिवेलप हुए और जिसको इंशाल्लाह हम आगे अभी स्टडी करेंगे. अब अगर मैग्ना कार्टा की बात की जाए तो मैग्ना कार्टा जो है हमें पता चलता है कि ये 1215 में जो है वो डेवलप हुआ. 1215 में मैग्ना कार्टा आ रहा है और जो है साइंड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड 1215 में. ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि जाहिर बात है कि दुनिया जो है वो 12th सेंचुरी से ऑनवर्ड मीन 13th सेंचुरी की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं और इसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया था कि यहाँ पर जो है इंग्लैंड में अब जो है वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो जो है ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर हो गई थी. ये आपको नज़र आ रहा होगा मैग्ना कार्टा का जो जो है वो सारा जो है क्लू था कि इस ये जो पेपर है इसके ऊपर जो है इन राइट्स एंड ड्यूटीज़ को जो है वो पेस्ट किया गया था. इसके बाद हमें पता चलता है कि पिटिशन ऑफ राइट 1628, ये भी जो है पिटिशन ऑफ राइट जो है वो 1628 में डेवलप हुआ. और पिटिशन जो है किसी चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो, ये एक लॉ टर्म है और ये लीगल टर्म है जिसको हम जो है कहीं पे फॉर एग्जांपल आप कोर्ट्स में जाते हो तो हम कहते हैं कोई आपने कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू, तो आप कहते हैं कि मैं जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या जो है आपके पास लोअर जो कोर्ट्स हैं या कोई भी कोर्ट सिस्टम हो तो वहाँ पर आप लोग पिटिशन जो है वो दायर कर देते हैं. ठीक है, पिटिशन एंटर कर देते हैं कि मुझे ये इशू है तो इसको काइंडली जो है इसको समझा जाए, इसको जो है इसका कोई मुझे आउटपुट चाहिए ताकि हम इस इशू को जो है वो कोई भी इशू हो सकता है इसको सॉर्ट आउट कर लें. तो पिटिशन जो है वो एक लाई गई 1628 में इंग्लैंड में और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और ह्यूमन राइट्स से के हवाले से. और जो है इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी उसने इस पिटिशन को जो है वो फाइनली जो है वो तैयार किया था और जो कि उनके जो जो वहाँ पे जो लीड कर रहे थे चार्ल्स वन जो थे और उसको जो है उन्होंने सेंड किया. और इसमें जो बात की गई थी वो दैट वाज द सिविल लिबर्टरीज. ठीक है, लिबर्टरीज मींस के सिविल मींस के आज़ाद ज़िंदगी जिसे हम कहते हैं. ठीक है, आज़ाद ज़िंदगी के हवाले से जो है कि शहरी किस तरह रहेंगे एक मुल्क में उसके हवाले से जो है ये उन्होंने जो है इसमें डिस्क्रिप्शन दी थी.
तो जब वो पटिशन जो है वो चली गई और उसको जो है सेंड कर दिया गया चार्ल्स वन के पास, फर्दर जो है पटिशन जो है दैट वाज इनिशिएटेड बाय सर एडवर्ड कुक, और जो कि इंग्लिश बैरिस्टर थे। और अब इस पटिशन में जो है बेसिकली क्या क्या चीज़ें थीं जो कि जो है वो बताया गया, तो सबसे पहले जो उसमें पॉइंट था दैट वाज के जो है वो टैक्टेशन के हवाले से जो है वो पॉइंट दिया गया था। तो फर्स्ट उसमें बताया गया कि जो है नो टैक्सेस मे बी लेविड विदाउट कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, कोई टैक्सेस जो है वो इम्पोज नहीं किए जाएंगे किसी सूरत भी लोगों पर जब तक कि पार्लियामेंट को कंसर्न ना किया जाए। ठीक है, आपका जो पार्लियामेंट होता है, हर मुल्क की पार्लियामेंट होती है जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है, तो अगर आपने कोई बिल पास करना है, आपने कोई जो है वो बिल लेकर आना है या आपने जो है कोई लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले आपने जो है वो पार्लियामेंट को जो है वो कंसर्न करना है। अगर आप पार्लियामेंट को कंसर्न नहीं करेंगे तो वो बिल या जो बिल होगा उसकी कोई हैसियत नहीं होगी फिर। ठीक है, एंड फर्दर किसी इंसान को जो है वो आप प्रिजन में नहीं डालेंगे जिस वक्त तक कि उसके पास कोई कॉज ना हो या उसकी कोई कॉज ना हो। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि कोई प्रिजन में आप किसी को डालते हो जेल में, तो उससे पहले सबसे पहले जो बात है दैट इज़ दी कि आप ये भी उसका राइट है उस पर्सन का कि वो आप जो है आप उस वो आपको बताएगा कि भाई मेरे पास ये कॉज है इसलिए आप मुझे प्रिजन में नहीं डाल सकते, मुझे जेल में नहीं डाल सकते। और ऑन दी अदर साइड ये ड्यूटी जो है वो जो है जो डिफरेंट इदारे होते हैं ये उनकी ड्यूटी है कि वो पहले इस बात को इन्वेस्टिगेट करें कि भाई इस पर्सन ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसकी वजह से जो है इसको इलीगली कहीं हम जेल में ना डाल दें। तो पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंटरोगेशन होनी चाहिए, उसके बाद जो है सारा जो है वो आपके पास एक जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए जो है आप फिर कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, तो उस वो जो पिटीशन थी उसमें ये सब वाज़े तौर पे बता दिया गया कि किसी इंसान को भी हम उस वक्त तक प्रिजन में नहीं डाल सकते जिस वक्त तक कोई सॉलिड कॉज ना हो। फर्दर आप आगे आ जाएं तो सोल्जर्स का यूज़ जो था वो भी मना किया गया, प्रोहिबिटेड किया गया। डिफरेंट बुक्स में हमें पढ़ने को मिलता है कि सोल्जर्स को भी उसके लिमिटेड कर दिया गया, मीन्स उसके राइट्स को जो आपके पास फोर्स है, और जो फोर्स है उसका जो बेसिकली जो है उसको डिफाइन किया गया कि आपने सिटीजन्स के ऊपर कभी भी गन पुट नहीं करनी। ठीक है, इस तरह आप जो है सिटीजन्स के ऊपर गन पुट नहीं कर सकते, ये आपके पास राइट नहीं है कि आप जो है सिटीजन्स के ऊपर गन पुट करें या आप सिटीजन्स के साथ कोई फोर्स फुल एक्ट करें। ठीक है, तो इसको भी प्रोहिबिटेड करा दिया गया। फिर मार्शल लॉ की बात की गई, और मार्शल लॉ जो है कहा गया कि ये इन द टाइम ऑफ पीस किसी सूरत भी मार्शल लॉ जो है वो पीस के वक्त, ठीक है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वो पिटीशन ऑफ राइट थी जो कि 1628 में जो है इंग्लैंड में डेवलप हुई, और इससे भी हमें पता चलता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं फॉर द ह्यूमैनिटी किस तरीके से जो है वो ओरिजिनेट हुई। फर्दर आप चले तो हमें पता चलता है कि एक और बिल आया, दैट वाज अनदर बिल एंड दैट वाज द बिल ऑफ राइट्स 1791 में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये डेवलपमेंट हुई इसकी। और अकॉर्डिंग टू दैट बिल हमें ये पता चलता है कि इस बिल में आपको आपके पास जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि लोगों की जो जो जिंदगी है या जो सिटीजन्स हैं उस उनकी उनकी आज़ादी को जो है या उनके फ्रीडम को जो है किस तरीके से पॉसिबल बनाया जाए। ठीक है, और उनकी जो फ्रीडम है, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो सिटीजन्स हैं उनका जो फ्रीडम है या उनकी आइडेंटिटी है, ठीक है, उनको उसको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, उसको सेफ किया जाए। ठीक है, तो इस के हवाले से एक बिल पास किया गया। या आप एक पिक्चर में क्लू देख रहे हैं, ये क्लू जो है ये उसी बिल का है, बिल ऑफ राइट्स का, जिसमें जो है बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं वो कहीं पर भी हों, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हों या यूनाइटेड पूरी दुनिया में कहीं पर भी हों, तो उनकी जो बेसिकली फ्रीडम है, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको किस तरह प्रिजर्व किया जाए, किस तरह सेव किया जाए और किस तरह पॉसिबल बनाया जाए, तो ये उस बिल में जो है बेसिकली जो है हमारे सामने आया कि उन्होंने इस बिल पर डिबेट की और ये फाइनली जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पास ऑन हुआ। फर्दर अगर हम स्टडी करें हिस्ट्री को तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट जेनेवा जो है वो कन्वेंशन हुआ 1864 में। जेनेवा जो है वो
एंड स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में लोकेट करता है, और वहाँ पर जो है 1868 में 16 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं एंड सेवरल अमेरिकन स्टेट्स अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा एट द इनविटेशन ऑफ द स्विस फेडरल काउंसिल ऑन द इनविटेशन ऑफ द जेनेवा कमिटी। यहाँ पे 16 के करीब जो यूरोपियन ममालिक थे और बहुत से दूसरे अमेरिकन जो स्टेट्स थी, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो अटेंड किया था एट जेनेवा, जिसमें इस बात को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया। और ये क्योंकि एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस थी, मुख्तलिफ जो है डिफरेंट लीडर्स वर सिटिंग देयर, डिफरेंट डेलीगेशन वर सिटिंग देयर, तो उसमें जो है देयर टॉक्ड अबाउट के बेसिकली द ट्रीटमेंट ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स इन द कॉम्बैट। मीन्स के अब ये देखिए कि वाउंडेड सोल्जर्स, ठीक है, मीन्स के वो सोल्जर्स जो कि जख्मी हो जाते हैं, वो लोग जो कि जख्मी हो जाते हैं ड्यूरिंग द वॉर, उनके लिए कौन सी राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं उसको सेटअप किया जाए, उनके लिए कौन से प्रिविलेजेस को सेटअप किया जाए, ताकि इस उनके भी राइट्स को जो है वो डिफाइन किया जाए, उनके राइट्स को सेव किया जाए। तो इस पर जो है वो इन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो डिबेट की, और इसमें फर्दर ये बताया गया कि जो वाउंडेड लोग हैं या जो वाउंडेड सोल्जर्स होते हैं, तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, लेकिन उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। जो लोग बीमार हैं, जो सोल्जर्स बीमार हो जाते हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से मेडिकल जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। और इसमें जो है वो रेड क्रॉस जो है जो इसका बहुत रोल जो है वो प्ले किया। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, जो इंटरनेशनल ICRC है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, ये बेसिकली आप देख लीजिए जहाँ पर भी जंग होती है तो आपको रेड क्रॉस की टीम वहाँ पर मिलती है। उसकी वजह यही है कि ये जो कन्वेंशन हुआ था, इसमें अब जाहिर बात है कि जो सोल्जर हैं वो भी इंसान हैं और उनके भी राइट्स डिफाइन होने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में, इस कन्वेंशन में बेसिकली ये इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपने जो जंग होती है, तो जंग में जो लोग जख्मी हो जाते हैं या जंग में जो लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं, तो उनको कंपनसेट किस तरह किया जाए, ठीक है, लेटर ऑन उनको कंपनसेशन किस तरह दी जाए, तो ताकि उनके जो राइट्स हैं वो कहीं ये ना लगे कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन इसको जो है वहाँ पर बेसिकली इसको कन्वेंशन में इस तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया गया। इसी हवाले से फिर हमने देखा कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस जो हैं, जिसमें जो है ऑलमोस्ट 50 स्टेट्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सैन फ्रांसिस्को में मिलती हैं, और वहाँ पर जो है उन्होंने बेसिकली जो एजेंडा था वो यही था कि ताकि यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया जाए। और 1945 में यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्म एंड द बेसिक एम वॉज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट पीस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए जो है वो पीस को और अमन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जाए, और जो है लोगों की ज़िंदगी को जो है वो प्रमोट किया जाए, सेव किया जाए फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर। जिस तरह हमने देखा कि 1945 से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थाउजेंड एंड इवन मिलियंस ऑफ पीपल दे लॉस देयर लाइफ, क्योंकि इस तरह का कोई इदारा नहीं था जो कि जो है वो डिक्लेयर करे इस ह्यूमन राइट्स को। तो हमने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है जब ये डेवलप हुआ, तो आपके पास डिफरेंट राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो इमर्ज हुई। तो यूनाइटेड नेशंस के आने के बाद फिर डिफरेंट एजेंसीज जो हैं यूनाइटेड नेशंस की, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, उन्होंने जो है वो काम करना शुरू किया, और सो दैट टू जस्ट उनका एम एक ही था और एक ही है कि इंसानियत को जो है वो बचाया जा सके, इंसानियत को प्रिजर्व किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्यूरीज, यू मे आस्क द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन ऑन यूट्यूब, एंड काइंडली जो है इसमें अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे। और जिन लोगों ने जो है मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन, उस पर बेल आइकन बटन पे ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो मिल सकें। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।